और आज की रात यूपीए विधायकों और विपक्ष के लिए लंबी रहने वाली है, क्योंकि कल सोमवार को सदन में हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल करने वाले हैं। हेमंत सोरेन एंड टीम विश्वास मत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने के लिए पूरी तैयारी कर ली और विश्वास मत का पासा फेंक दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए, विश्वास मत प्रस्ताव का काउंटडाउन, कॉन्फिडेंस में हेमंत एंड टीम, रविवार को रायपुर से लौटे विधायक, सोमवार को सरकार की अग्नि परीक्षा। चंद घंटे बाद झारखंड विधानसभा के सदन में पहली बार सत्ताधारियों की तरफ से विश्वास मत प्रस्ताव लाया जाएगा। सोमवार को इसे आप सरकार की अग्नि परीक्षा कह सकते हैं, लेकिन विश्वास मत को लेकर हेमंत एंड टीम कॉन्फिडेंस में है। रविवार की ये तस्वीरें देखिए। रायपुर से रांची लैंड करने के बाद यूपीए के तमाम विधायक रांची के सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं। भरोसा है कि सदन में विश्वास मत हासिल करेंगे। सोमवार को सदन में क्या क्या होने वाला है, इसको लेकर विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से झारखंड के रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता ने खास बातचीत की। हम तो माननीय मुख्यमंत्री को साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे कि जनभावनाओं को समझते हुए उन्होंने ये जरूरत महसूस किया कि एक बार निश्चित रूप से इसका टेस्ट फ्लोर के अंदर में, विधानसभा के अंदर में दे देना चाहिए कि लोगों के मन में जो शंका उत्पन्न करने वाला व्यक्ति, जो शंका उत्पन्न कर गया, यहाँ का माहौल को बिगाड़ने का जो प्रयास किया, उन लोगों का एक जवाब हो जाएगा और इस विषय का पटाक्षेप हो जाएगा। झारखंड विधानसभा की एक दिन की कार्यवाही के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सोमवार को सदन में क्या क्या होने वाला है, इसकी जानकारी विधानसभा सचिव ने दी। पहले तो आपको हम क्लियर कर दें कि विशेष सत्र नहीं है, जो अनिश्चितकालीन मानसून सत्र जो स्थगित हुआ था उसी के क्रम में ये बैठक हो रही है, उसी का एक्सटेंशन है। क्या तैयारी है, इसका एजेंडा क्या है, अगर बात सीधे सीधे करें? एजेंडा में तो ये एक लाइन का एजेंडा है कि मुख्यमंत्री द्वारा ये प्रस्ताव है कि सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास पर करती है, सभा में पेश करने की अपनी इच्छा की सूचना दी है। तो मुख्यमंत्री जी अपनी विश्वास मत पेश करना चाहते हैं? जी जी, अब मंत्रिपरिषद में। दरअसल झारखंड में हेमंत सरकार को विश्वास मत क्यों लाना पड़ा है, ये जानना जरूरी है। हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है, क्योंकि हेमंत सोरेन पर सीएम रहते अपने नाम खदान आवंटित करने का आरोप है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच की। जांच के बाद निर्वाचन आयोग ने राजभवन को बंद लिफाफा भेजा। बंद लिफाफे में हेमंत सोरेन का सियासी भविष्य कैद है। जाहिर है, जब तक हेमंत सोरेन पर सियासी संकट का बादल छट नहीं जाता, झारखंड में सत्ताधारियों में उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हेमंत सोरेन विपक्ष को विश्वास मत के बहाने अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। रांची से रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता के साथ